अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप सब? कैसे आप सब? आज हम हल्दी बनाने लगे हैं। ये जोड़ों दर्दों के लिए बहुत अच्छी है। इसे पूरे डंडे में कूट लेंगे पहले हम, फिर ट्राई करेंगे। हल्दी कूट रही है। ये हमने खोपड़ा गिरी नहीं होती नारियल, ये कद्दूकस कर लिए हमने। ये सौंफ है, सौंप जाएगी। और ये दूधे चलाए, ये जाएगी चले। ये एक पाव सौंप है, हम आध पाव इसमें हाफ कर लेंगे। हाफ तवे पे ब्राउन कर लेंगे इसे। आधा किलो हमारे पास हल्दी थी और किलो चने हैं। ये आध पाव सौंफ है और दो खोपड़े गिरी के थे। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी तवे पे डाल के। कुछ भी नहीं डालना, यही बस सौंफ की बुनाई करनी है, लाइट ब्राउन हो जाए। ये देखिए, हमने ना सौंफ जो है ना इसको लाइट ब्राउन कर ली है। इतनी ही आपने करनी, और ज़्यादा नहीं करनी, ब्लैक ब्लैक ना हो जाए। और यहाँ हमारे अपन है मिक्स सब्जी। और ये देखिए, मैंने इसको भी पीस लिया। आपने इतनी रखनी है, ज़्यादा भी नहीं पीस को पीसना। और ये देखिए, कोपड़ा भी हमने क्रश करके रख लिया। ये हल्दी से मेरे हाथ ऐसे हो गया। ये देखो, आधा किलो घी है, इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी में। इसको इसकी बनाई करनी है अच्छे से। ये देखो नीचे इसकी अच्छे से बनाई करेंगे। हाँ, ये हमने देसी घी डाल दिया आधा किलो। हाँ, देसी घी आधा किलो ही डालना, मतलब मटेरियल के हिसाब से डालो जितना आप बना रहे हैं। ये आधा किलो ही हमारी बहुत है हल्दी की। और हर चीज़ ना आधा आधा किलो यूज़ की है जो डाल। चने हैं वो किलो है, तो ये आधा किलो। इसमें बादाम जाएंगे और अखरोट है और ये पिस्ता है, ये जाएंगे। ये हो गया हमारा मिक्स। देख रहे हैं आप इतने हिसाब से गिर के। ये चने हैं, किलो चने थे, हमने इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखो इसकी बनाई हो रही है अभी तक, अच्छे से करनी है। ये हाफ रह जाए, इतनी आपने बनाई करनी है। आधा किलो थी ना, हाफ हो जाए। इसमें हमने चने डाल दिए, जो हमने सौंफ ब्राउन की थी वो भी डाल दिए इसमें ग्राइंड करके। और गिरी बादाम जो से हमने डाले थे इसमें, वो भी सारे पिस्ते हो गया, गिरी हो गया, अखरोट हो गया, वो भी इसी में हमने ग्राइंड करके डाल दिए। अब हमें गुड़ लेके उसकी चाश बनाएंगे, फिर सब मटेरियल को इकट्ठा कर लेंगे। ये आधा किलो गुड़ ले लिया हमने, इसमें पानी डाल के थोड़ा सा और इसकी चाश बनाएंगे। ये देखो हल्दी इतनी सी रह गई है, हाफ रह गई बस। अब इसमें हम ये वाला पाउडर बनाया हुआ था ना चनों का, हमने इसमें ये सौगी भी डाल दी, गिरी नहीं होती बहुत बड़ी, खोपड़ा नारियल इसमें डालेंगे। ये देखिए गुड़ सारा मेल्ट हो गया, चाश तैयार हो गई इसकी। आग बंद कर दे नीचे से। ये देखो सारा इसमें मटेरियल तैयार। मैं फिर आपको बता दूँ, आधा किलो हल्दी थी, एक किलो चने थे, सौंफ आधा पाव था सौंफ, और गिरिए बादाम, अखरोट, सौगी और नारियल, आधा किलो गुड़ था। हमने तो आधा किलो गुड़ डाला है, आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखो गुड़ भी इसी में चला जाएगा, चाश बना के मैं। चूल्हा आपने बंद कर देना है नीचे से। ये देखो
हमने सारा कुछ इसमें डाल दिया, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं परात में डाल दूंगी, ये देखो मैंने परात में डाल दिया। अब हम इसकी ऐसे छुरी के साथ ना कटिंग करेंगे। अभी नहीं हुई, जरा सख्त हो जाए ना फिर हो जाएगी। ये देखो मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी, उधर से मुझे ये बुक मिली जो सी आठवीं क्लास में नहीं होम इकोनॉमिक्स का मिलता होता था। ये मेरी बहन की बनी हुई थी, तो मैंने ये पहले बनाई हुई थी। पहले सबसे पहले हमने ये स्टिकर लगाए थे, ये हमारी स्कूल वाली बुक है। फिर ये भुना हुआ गोश्त की ये हमने लगा दी थी। अरे बचपन की यादें ताज़ा होगी, मेरी खुद एट क्लास में ये था। किस किस इकोनॉमिक्स में किस किस ने ये बनाई थी बुक, ये कीमा बड़ी डिश, ये देखिए सैलड है, ये सैलड बहुत है। ये हमने एक स्टिकर काट काट के ना हमने इधर चिपकाए थे, ये केक बनाने का तरीका था। ये सारी डिटेल लिखी हुई है केक कैसे बनता है, और ये रोज़मर्रा की चीज़ें सब्जियाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आपने ज़रूर बताना है। बहुत ही अच्छा वक्त है इंसान को ना, ये किताब देख के अपनी ना बचपन याद आ जाता है, वही वक्त याद आ जाता है। मैं अपनी अम्मी की तरफ गई ना, मुझे याद आ गया, मैं खोल खोल के देखी जा रही थी। चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। ये मेरी अम्मी ने खुद बनाए हुए थे, ये मोती टांका है। कितने प्यारे बनाए ना, देखिए कितने प्यारे फ्लावर बनाए। ये मोती टांका और ये नवाज शरीफ टांका है, इधर लिखे भी हुए हैं। ये देखें, ये रफू करना, ऐसे ये रफू खुद, ये पेमेंट लगाना कोई चीज़ फट जाए, ये तरपाई करना है, ये हमने खुद तरपाई की थी सड़क पर। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्रोशिया अपनी चीजें संभाल के रखी हैं बचपन की। हाँ, मेरी अम्मी ने किताबें रखी हुई थी। ये क्रोशिया के डिज़ाइन है, ये भी मेरी अम्मी ने खुद बनाए थे क्रोशिया के साथ। वाह, आपकी अम्मी के हाथ में तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है मेरी अम्मी की तरह। ये भी स्वेटर बना के, ये भी आपकी अम्मी ने क्रोशिया किया था। ये टोपी है, ये उनका सेट है, इधर लिखा भी हुआ है, साथ साथ लिखा हुआ है, साथ साथ वो चीज़ें लगाई हुई हैं। ये कश्मीरी टांका है, ये भी मेरी अम्मी ने खुद बना के दिया था, और ये पोला टांका है, ये डंडी टांका, और ये काज टांका है। कितने प्यारा फूल बनाया, ये मेज पोश पहले चल रहे कितना प्यारा, ये कलर है ना, कलरिंग कितनी प्यारी, ऐसे लग रहा है पेंट किया हुआ। खुद ही आपकी अम्मी ने वो डिजाइन बना के और ये किया था खुद ही। वाह, मेज पोश मतलब वो जो प्रिंट बना के ये छापा करवाया था, छापा ही थे छपे थे पहले। ये कुर्ता का ड्राफ्ट है, ये किसने बनाई भी आपने, ये हमने खुद बनाया था ड्राफ्ट। हम भी पहले ऐसे करते थे, कोई चीज तैयार करनी, साइड पे फूल बनाने, डिजाइन बनाना, पेंटिंग करनी, और ये इधर ये वाला ये शलवार, शलवार ये देखिए साथ से पूरी डिटेल भी लिखी हुई है, ये शलवार, और ये मुनासिब लिबास है, जो सिंपल सा लिबास है, ये हमने काट काट के लिखे हुए थे, बनाए थे। आपने हमें जरूर कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसे लगी, ये देखिए कितनी प्यारी शलवार कमीज बनाई है, कितना प्यारा कलर है और कितनी प्यारी है। पहले हम ना अपने गुड़िया को भी ऐसी शलवार कमीज सी के तो उनको बनाते थे। ये लहंगा बनाया, देखिए वाओ, ये लहंगा है, ये पहले चलते होते थे डिजाइन इसके। मुझे तो सबसे ज्यादा ये फ्रॉक प्यारा लग रहा, बहुत ही प्यारा ये फ्रॉक लग रहा है आपका। कलर भी प्यारा है, कलर भी प्यारा है, और ये मेरे ख्याल से ये लोन का नहीं रेशमी है। अच्छा, रेशमी है पर प्रिंट कितना प्यारा ना, ये बहुत ही प्यारा है, देखिए। और ये वाला, ये भी बहुत कलर चलते हैं, ये भी कुर्ता है, गोल घेरे वाली कमीज, पॉकेट वाला कुर्ता, ये मैंने भी सिलवाया था अपना जब ये स्टार्ट में चला था ना ये। अच्छा, बड़ी प्यारी लगी थी, ब्लैक कलर में सिलवाई, बहुत ही प्यारी है। यादें ताज़ा हो गई हैं, यादें ताज़ा हो गई है, मेरी खुद ही यादें ताज़ा, पर मेरी कोई है नहीं चीज़ पड़ी नहीं, पर इसको ही देखते याद। आप लोगों को कैसे लगी, आप लोगों ने ये जरूर बताना है, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, और इसको देख के ना बहुत लोगों की यादें ताज़ा होंगी। ये लहंगा मुझे बहुत पसंद आया था,
छोटी डॉल का लहंगा, ये भी देखिए, ये चुनट वगैरह देखिए, ये चुनट, चुनट डालना, प्लेट डालना। चलो ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आज की रेसिपी जो हमने बनाई थी, हल्दी, हल्दी वाले लड्डू, हाँ जी लड्डू उसको कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल के, और ये हमने अपनी किताब दिखाई है, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।